लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। आज के इस बुलेटिन में बिहार के सियासी गलियारे से कई जरूरी खबरें हैं, जिलों से भी कई छोटी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। जगदानंद सिंह ने भी कह दिया है, हम किसी से डरते नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की एक अन्य मार्ग में धान खरीद की समीक्षा, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दागी मंत्रियों को लेकर किया हमला। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने तेजस्वी को बताया ट्विटर पॉलिटिशियन। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शोकाकुल परिवार से मिलने को पहुंचे खगड़िया। और बेतिया में खूंखार हुई बाघिन। अब खबरें विस्तार से। राजद चीफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, आज लालू यादव की जो भी हालत है वह जगदानंद सिंह के कारण है। जगदानंद सिंह जैसे नेताओं की वजह से ही आज लालू यादव बीमार हैं और उनकी यह हालत बनी हुई है। वे पार्टी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। वे हमसे भी नहीं मिले, विधायकों को भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के गुस्से पर अपनी सफाई दी है। दरअसल जिस समय तेज प्रताप लाल पीले हो रहे थे, उस समय जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय में ही अपने चैम्बर में मौजूद थे। ऐसे में मीडिया के लोग जवाब लेने उनके पास पहुंच गए। जगदानंद सिंह ने कहा कि यह सब पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदर से ही ठीक किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तेज प्रताप को क्यों गुस्सा है इसको समझा जाएगा। जहां तक लालू की रिहाई के लिए आजादी पत्र लिखने की बात है, तो उस पर तेजी से काम हो रहा है, आजादी पत्र लिखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अड़े मार्ग में धान खरीद की समीक्षा बैठक की। इसमें खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व के वर्षों की तुलना में इस वर्ष अब तक रिकॉर्ड धान की खरीद हुई है, यह खुशी की बात है। उन्होंने उसना चावल के उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए सभी डीएम को पैक्सों एवं मिल मालिकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि कोई भी इच्छुक किसान धान अधिप्राप्ति से वंचित ना रहे। बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मनीष कुमार वर्मा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव विनय कुमार, सहकारिता सचिव वंदना प्रेसी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार का दुर्भाग्य है कि प्रदेश के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 30 में से 18 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। क्या इतने भोले भाले अज्ञानी अनभिज्ञ मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? बिहार में नए मंत्रियों के योगदान का क्रम शनिवार को भी जारी रहा। आज सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। वरीय अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। कुर्सी संभालते ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सीधा हमला कर दिया। कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केवल ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं, वे जरूरत के समय जनता को छोड़कर गायब हो जाते हैं। उन्होंने मीडिया से सीधे सवाल किया कि पूछिए नेता प्रतिपक्ष से कोविड के समय बिहार छोड़कर कहां थे, केवल ट्विटर पर दो लाइन लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है। हम के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज लालू स्टाइल में हमला किया। उन्होंने ट्वीट कर तेजस्वी पर निशाना साधा तथा उन्हें चलनी बताया। मांझी ने लिखा, है देखा हो जेकर पूरा खानदान पर हर तरह के केस चल रहा है, ओहो सब सवाल उठा रहा है कि बिहार के मंत्री सब पर मुकदमा दर्ज है। हमने सबके गाँव में कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप के जे में खुदे 72 छेद, अपन टेटन देखे ना दूसर के फुंसी निहारे।
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कोरोना टेस्टिंग में आए फर्जीवाड़े को लेकर सरकार को घेरा और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना के नाम पर अब तक जितनी भी जांच का दावा कर रही है सरकार, उसमें 70% जांच फर्जी है। फर्जी जांच के जरिए करोड़ों का घोटाला हुआ है। नीतीश सरकार छोटे अधिकारियों व कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रही है, जबकि बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। अब जिलों की खबरें। सीतामढ़ी में आज महिला भारती सिन्हा की अपराधियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। घटना डुमरा थाना क्षेत्र के कुमार चौक स्थित रोड नंबर 2 की है। अपराधियों ने निर्मम तरीके से घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर सीतामढ़ी एसपी अनिल कुमार, सदर डीएसपी रमाकांत उपाध्याय, डुमरा थाना अध्यक्ष नवलेश आजाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। नालंदा में लाखों की डकैती हो गई है। नगरनौसा थाना क्षेत्र के सकरौड़ा पुल के पास देर रात डकैतों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। धनंजय प्रसाद के घर में घुसकर दर्जन भर हथियारबंद डकैतों ने सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाया, फिर 4.5 लाख रुपए के गहने और करीब 3 लाख रुपए कैश लूट लिए। लूट का विरोध करने पर डकैतों ने उनकी पत्नी, पुत्री और साली के साथ मारपीट की, बदसलूकी भी की गई। यही नहीं, भागने के दौरान पास के एक पोल्ट्री फार्म में डकैती कर ली गई। साथ ही वे लोग फार्म मालिक की बोलेरो जीप लेकर भी भाग गए। मुजफ्फरपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने आवास विभाग में पार्षद प्रतिनिधि को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल नगर आयुक्त जब कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे, तब वार्ड 34 की पार्षद सलेहा खातून का प्रतिनिधि गुड्डू आवास विभाग की फाइल को पलट कर देख रहा था। उसे बाहरी आदमी समझकर नगर आयुक्त ने अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आनंद फानंद में कई पार्षद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और इसकी जानकारी मेयर सुरेश कुमार को दी। तब नगर थाने की पुलिस ने गुड्डू को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा। और अंत में जंगल न्यूज। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बाघिन खूंखार हो गई है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटे गौन्हा प्रखंड का मामला है। जंगल से शिकार के लिए बाहर निकली बाघिन अब स्थानीय लोगों पर हमला करने लगी है। लोग डर से सहमे हुए हैं। अब तक उसने 3 लोगों पर हमला किया है, इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में परसौनी निवासी अकलू महतो व उनकी पत्नी रिखिया देवी है। तीसरा घायल सोखा मांझी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लोग इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं कि बाघिन अब तक वन विभाग की पकड़ में भी नहीं आई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज पर हमें जरूर लाइक करें, और आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।